नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, सत्यपाल मलिक जिन्होंने भाजपा पर काफी बड़े आरोप लगाए हैं, काफी सारे खुलासे करे हैं कि पुलवामा हमले के में जो पुलवामा हमला हुआ था वो सरकार की नाकामी की वजह से हुआ था, यानी कि सरकार ने कराया नहीं था लेकिन सरकार की नाकामी से हुआ था वो हमला, ये सत्यपाल मलिक ने काफी बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। 2024 के इलेक्शन से पहले ये आरोप लगाना थोड़ा राजनीति से देखे हमें प्रेरित लगता है, लेकिन सीबीआई ने अब समन भेज दिया सत्यपाल मलिक को। और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि सत्यपाल मलिक की जान को खतरा हो सकता है। जी हाँ, खुफिया सोर्सेस से देखे हमें पता लगा है कि सत्यपाल मलिक ने होम मिनिस्ट्री को यह अर्जी लिखी है कि उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ देखिए लगातार जो अब देखिए खतरा हमले का जो जान का खतरा बताया है वो क्यों बताया, वो इसलिए बताया है कि यूपी में कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले ही अतीक और अशरफ की दिन दहाड़े गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जबकि वो पुलिस कस्टडी में थे, मीडिया पर्सन के सामने थे, तब अतीक और अशरफ की हत्या की गई। इससे डर कर सत्यपाल मलिक को देखे काफी घबरा गए हैं और होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी मेरी सुरक्षा बढ़ाइए। और ऐसा भी माना जा रहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी करने से पहले, यानी कि जब उनको सीबीआई का समन गया है, पूछताछ होगी, गिरफ्तारी भी होगी, तो गिरफ्तारी से पहले सत्यपाल मलिक को देखे मारा जा सकता है, ये खबर देखे इस वक्त आ रही है। क्योंकि आरोप जो काफी बड़े देखे और उन्होंने सरकार के खिलाफ बोल दिए हैं, सरकार पर आरोप काफी बड़े लगा दिए। और साथ ही साथ देखिए लगातार जो सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के बारे में बोला है, पीएम मोदी के बारे में बोला है और एनएसए डोवाल के बारे में बोला है, वो काफी संगीन आरोप है। अब देखने वाली बात है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, क्या ऐसे ही हत्या किसी और नेता की भी हो सकती है? क्योंकि जो कानून की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ बताते थे, जिस कानून के बारे में बखान करते थकते नहीं थे भाजपा के नेता, उसी कानून की धज्जियां उड़ा के जो तीनों आरोपियों ने अतीक और अशरफ को मारा है, वो देखना तो सबके बस की बात नहीं। क्योंकि लगातार यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी देखे बद से बदतर होती जा रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल।